केवल आ जाने कुर्सी आ जाने टेबल पीछे करना हूँ कोई भी बहुत चिकन टुकना है से सप्लाई करता था, डिलीवरी देता था, ये डिलीवरी बॉय है, ये इसका डिलीवरी बॉय है, इसका नाम है, हाँ जी। हाँ हाँ अभी कुछ हथियार जब्त किए गए हैं पुलिस के द्वारा नहर दरवाजा थाना पुलिस ने दो आरोपियों को लगभग एक दर्जन हथियारों के साथ जो कंट्री मेड पिस्टल होती है उसके साथ गिरफ्तार किया है। इसमें ये लोग एक जगह से खरीदते थे, वहाँ पर पुलिस ने दबिश दी और जो मेन सप्लायर था उसको गिरफ्तार किया है, उसके साथ ही एक जो उसका डिलीवरी बॉय था उसको गिरफ्तार किया है। क्या सर यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर होती थी? इन्होंने शुरुआत की थी मैन्युफैक्चर करने की, तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग करने की जो सामग्री है उसको भी हमने जब्त किया है। सर ये जो आरोपी पकड़ा है इसके पहले भी पूरे रिकॉर्ड रहे हैं क्या? ये सरगना है, पहले भी इसके आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं। हम सभी थानों से और आसपास के जिलों से पता करवा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर इसके विरुद्ध पहले से केस दर्ज है। सर हथियार इन्होंने और कहीं भी सेल किए हैं अभी? ये हमारे प्रदेश सहित आसपास के प्रदेशों में भी हथियारों की सप्लाई करते थे। ये अंतर्राज्यीय गिरोह है, इसको हमने नहर दरवाजा पुलिस ने अरेस्ट किया। सर अभी जो आपने हथियार देखे थे सर, इनकी लगभग भगवड़ कितनी कीमत होगी और किस कीमत बेचते, कितना मुनाफा करते हैं बताया? देखिए 40,000 से लेकर 60,000 तक बार्गेन करके ये प्रत्येक जो पिस्टल बनाते हैं कंट्री में उसको बेचते हैं। उन सबको पूछताछ की जा रही है इनसे कि कहाँ कहाँ पर इनने किन किन को अभी तक सेल किए हैं और कहाँ कहाँ से हमको और लोगों को बरामद। सर क्या पिस्टल के साथ सर कारतूस भी बरामद हुए? हाँ कुछ कार्ट्रेज भी बरामद हुए हैं उनको, जो इनके साथ ये सप्लाई के साथ साथ भी बेचा करते थे। सर उन्होंने कुछ कबूला देवास में कितने लोगों को बेचा है करीब या कुछ?
इस चीज़ की पूछताछ की जा रही है कि कहाँ कहाँ पर उन्होंने हथियारों को सप्लाई किया है, किस कैटेगरी के लोग हैं, हमारे देवास जिले में हैं, देवास जिले के बाहर हैं, कहाँ कहाँ पर है, इसकी